दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है। इससे पहले T20 महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर से सलाह लेकर अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ भारतीय टीम में बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिनको सुनने के बाद तो हर कोई हैरान रह गया। साथ ही साथ श्रीलंका को उसके घर में ही कुचलने के लिए ऐसी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है कि देखने के बाद आप सभी खुश हो जाएंगे और भारतीय टीम की जीत के तय मानेंगे। तो ऐसे में आखिरकार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी रणनीति में क्या कुछ बदलाव किया और श्रीलंका को उसके घर में हराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, सब कुछ आपको आगे वाली वीडियो में दिखाने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह महामुकाबला कब और कहां खेला जाने वाला है। इस T20 श्रृंखला से पहले महामुकाबले में भारतीय टीम किस तरीके से दिखाई देने वाले हैं, इस महामुकाबले पहले पिच रिपोर्ट और दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय कप्तान रहे शुभम गिल, दोनों में इस खतरनाक भारतीय कप्तान आप किससे मानेंगे? प्रतिक्रिया देकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। समय भारतीय टीम श्रीलंका के दौर पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों भारतीय टीम पहुंची है। सबसे पहले में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 की खतरनाक भारतीय की टीम की श्रीलंका को सब टीम के मैच में चकनाचूर करेगी। उसके बाद वनडे श्रृंखला भी खेलनी जाएगी। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मौका दे दिया है और गौतम गंभीर ने अपनी गद्दी संभालने हुए भारतीय स्क्वाडन में बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी से हटाकर सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम की T20 कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी तैयारियों को 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब वनडे पर फोकस करेंगे और वह रेस्ट पर और हार्दिक पांड्या वनडे विश्व कप 2027 के लिए तैयारी करेंगे। वैसे में उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां से हटाकर सिर्फ एक फॉर्मेट पर फोकस करने को कहा गया है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को दी गई है। हालांकि अभी मौजूद दशा में भारतीय टीम के बहुत ज्यादा कप्तान अलग अलग आजमाए जा रहे हैं, ऐसे में सूर्य कुमार यादव पर भी बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ होने वाली है। इस श्रृंखला को 3-0 से जीतने और अपनी खतरनाक कप्तानी को मुशायरा पेश करते हुए इसके बाद भारतीय टीम ने लगातार उसको कप्तानी का मौका दिया। हालांकि गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव पर मेहरबान हैं, तो अब देखा जाएगा कि वह कैसे प्रदर्शन कर पाते हैं, जहां पर बतौर बल्लेबाज को T20 नंबर 1 पर सूर्य कुमार यादव को जाना होगा। भारतीय कप्तान मिलते ही उन्हें अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 में चुनाव कर लिया है। अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए एक नई प्लेइंग 11 को मैदान में उतारा है, जहां पर आपको बता दें कि 3 मैचों की T20 श्रृंखला को श्रीलंका में जाने वाली है, जहां पर इस पहला T20 महामुकाबला 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार को खेला जाएगा। इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 पर होने वाला है। इस महामुकाबले की टॉस की बात करें तो शाम 7 बजे टॉस कर दिया, जहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में अब तक की T20 इंटरनेशनल में कुल 29 महामुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 19 मैचों में भारतीय टीम ने जीतकर हासिल कर ली है। वहीं पर 9 मैच में श्रीलंका ने भी बाजी मार ली है। एक महामुकाबला बिन किसी रिजल्ट की घोषित हुआ था, जिसके बाद 13 भारत ने अपने देश में जीते, जबकि 3 श्रीलंका ने अपने देश में ही जीतकर इतिहास को रच दिया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम का पल्ला हर तरीके मजबूत नजर आ रहा है, मगर भी श्रीलंका को कमजोर पल रखने की गलतियां भारतीय कप्तान नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीलंका के उलट करने में माहिर मानी जाती है। ऐसे में भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार